कहते हैं ना कि अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भारत के वैज्ञानिकों ने 2019 चंद्रयान 2 की विफलता के बाद अब 2023 में सफल लैंडिंग हो चुकी है भारत की चांद पर। आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी नेता ने 2019 में चंद्रयान 2 के विफलता के बाद काफी मजाक बनाया था भारत और इसरो का, पर अब चंद्रयान 3 जैसे ही सफल हुआ है, सफल सॉफ्ट लैंडिंग करा है, उसके बाद उस नेता के सुर ही बदल गए हैं। आपको बता दें ये कहानी है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जब उन्होंने 2019 में चंद्रयान 2 के विफलता के बाद भारत और इसरो का मजाक बनाया था, तो वही अब चंद्रयान 3 के सफलता के बाद उन्होंने ट्वीट करके भारत के वैज्ञानिकों और लोगों को और अंतरिक्ष समुदाय के जो भी लोग हैं उनको बधाई दी है। आइए उनके ट्वीट पर नजर डालते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो आप सभी ने जैसा देखा कि उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है और भारत को बधाई दी है और भारत के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उनका मन था कि वो इस सफल लैंडिंग का लाइव प्रसारण पाकिस्तान में भी कराए ताकि लोगों को वहां पे सीखने को मिले और देखने को मिले। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से रिक्वेस्ट भी करी थी कि हाँ इसका लाइव प्रसारण किया जाए, पर कुछ कारणों की वजह से पाकिस्तान में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए उसका लाइव प्रसारण नहीं हो पाया। भारत चांद पे सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं अपना कमेंट करके राय जरूर दें और ऐसे ही तमाम छोटे बड़े न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।